उल्टियाँ, जी मचलाना और एसिडिटी, छाती में जलन होना, सीने में जलन होना, उसका मानसिक कनेक्शन, उसके बारे में ये वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक ही घर के चार पेशेंट मेरे यहाँ आ गए। उन्होंने पहले मेरा वीडियो देखा था, पेट विकार का मानसिक कनेक्शन, तो वो देख के एक ही घर के चार लोग आए। उसमें एक को था सिर्फ ढकार आना, बेलचिंग, ढकार आ रहे थे उसको बार 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 बार, और ढकार इतने जोर से आते थे कि बाकी लोगों को घर के डिस्टर्ब होता था कि कितना ढकार दे रहा और आवाज़ इतनी ढ ढ ढ आवाज़ आ रही है, तो वो लोग बाकी डिस्टर्ब हो रहे और बोल रहे ढकार आती मैं क्या करूँ। दूसरे को था एक लड़की, उसको था मतलब उसकी बहन, उसको था उल्टी आना, खाना हो गया कि उल्टी करना, खाना हो गया कि उल्टी करना, और बाकी वो खाती थी तो उसको पछता था, जैसा कोई जंक फूड खाती है, कोई ब्रेड के मतलब कोई सैंडविचेस खाती या फिर लड्डू खाती या चिवड़ा खाती, ऐसा कुछ भी खाती है, ब्रेड खाती, तो उसको कोई उल्टी उल्टी नहीं होती, खाना खाया दो बार का, सुबह का शाम का, और उल्टी आके फेंक देंगी पूरा। उसका वजन कम हो रहा था उल्टियों से, मतलब खाना नहीं खा रही थी, उल्टियाँ हो रही, और बाकी मस्त खा रही, खाना नहीं खाना। तीसरा जो था लड़का, उसको लेटरिन साफ नहीं हो रही और उल्टियाँ हो रही, दो दो तीन तीन लेटरिन नहीं जाना, और कुछ खाया कि उल्टी, खाया कि उल्टी, बहुत कम पचता था, बहुत वजन कम हो गया। और चौथा था उसको बहुत सारी एसिडिटी, बहुत एसिडिटी, इतनी जलन, उसको ऐसा लगता था कि सब अनाज ऐसा बाहर आ रहा है, ऐसा पूरा अंगार जैसे हो रही छाती सीने में, और वो काफ़ी सारी दवाइयाँ, सभी लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ खा रहे, ओमिप्रजॉल खा रहे, पेंटाप्रजॉल की दवाई खा रहे, फिर अलग अलग प्रकार के जेल जो है लिक्विड्स वो ले रहे हैं, और तभी भी कुछ फ़ायदा नहीं। सब तरह की जांच करवाई, एंडोस्कोपी कर दिया है ना, अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट उनके हो गए, पेट की जांच, एक्सरे हो गए, सोनोग्राफी हो गई, सब कर लिया, कुछ नहीं मिल रहा था। आखिर मेरे पास में आए, जब मेरे पास में आए तो मुझे तो ऐसा चैलेंज हो गया कि भाई बहुत दूर से आए हुए हैं, सुन के आए हैं मेरा नाम, और इनको करना कैसे ठीक। पहले उनको मैंने बताया कि भाई देखो, ये जो है ये आपका ऑर्गेनिक कॉज, मतलब वहाँ पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है क्या, क्योंकि आपने पूरे सब तरह की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अभी उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोले हाँ, ये तो हमको पता लगता है, मगर हम क्या झूठ बोल रहे, हमको तो उल्टियाँ आती है, हमको तो एसिडिटी हो रही, झूठ मैंने, झूठ आप नहीं बोल रहे, आपको सही में तकलीफ हो रही है, मैं मानता हूँ कि सही में तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, मगर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है बदन में या पाचन संस्था में, वहाँ कोई स्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी फॉल्ट है वो यहाँ है। तो उनको भी वो समझ में आया, उनको मैंने साइकोथेरेपी दिया, कुछ मेडिसिंस हमने कुछ ऐसी डेवलप की है, मतलब जो एलोपैथिक मेडिसिन है वही हमको ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैं देता हूँ, जो भी यहाँ बताना मेरे लिए असंभव है, मगर ऐसी मैंने मेडिसिन जो एलोपैथी में वो ऐसी विकसित की है पेट दर्द के लिए कि वो देते से लोगों को फ़ायदा हो जाता है, एकदम लोगों को आराम हो जाता है, एकदम पूरी पाचन संस्था रिलैक्स हो जाएंगी, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, उल्टियाँ सुलटियाँ सब बंद हो जाएगी, एसिडिटी बंद हो जाती है, और वो रिलैक्स होकर उनको नींद अच्छी आ जाती है, और बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक तो लेडी इनके साथ साथ मेरे पास में आई थी, 25 साल का पेट का दर्द, 25 साल से पेट में दर्द है, मैंने उसको सिर्फ कुछ दवाई दिया और 8 दिन के अंदर उसका पूरा पेट दर्द जो है ना वो ठीक हो गया। अब बोलती है मुझे वही गोली चाहिए, एक गोली खा रही है, 25 साल का दर्द एक गोली में निकल गया। तो ये पाचन संस्था जो है उसके काफ़ी सारे मानसिक कनेक्शन रहते कि टेंशन से वो पूरा वहाँ जो अलग अलग सिक्रीशंस जो होते हैं पेट में, वो टेंशन के ज़्यादा सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशंस होने से और पाचन संस्था, एक तो ज़्यादा मोटिलिटी उसको आती है, मतलब ज़्यादा चल विचल, मतलब चहल पहल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, वो तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, मतलब लेटरिन लग जाएंगी या लेटरिन बंद हो जाएगी या उल्टियाँ आएंगी या एसिडिटी हो जाएगी या फिर पेट में पेट फूलना, पेट में दर्द होना, पेट में बहुत सारा वजनदार ऐसा लगना, भूख न लगना, ऐसे अलग लक्षण आएंगे। ये चारों जो बहन भाई थे एक ही घर के, उनको साइकोथेरेपी दवाई देखे और उनके दिमाग में चल रहा क्या है, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। जो एक लड़का था उसको गर्लफ्रेंड का प्रॉब्लम था,
दो तीन गर्लफ्रेंड थी और उसको प्रॉब्लम था कि अभी इसके किसके साथ में मैं फाइनल तय करूँ मेरी शादी, और उसमें उसको प्रॉब्लम आना चालू हो गया। जो लड़की थी उसका अलग प्रॉब्लम था, उसको तो 84 kg वजन था, 84 kg वजन था, शायद उसके वजह से उसको उल्टियाँ चालू हो गई, उसका वजन घटते 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 56 kg तक आ गया था, तो शायद वो एक होगा, मगर बाकी वो अच्छा खाती थी और पचाती भी थी। तीसरा जो लड़का था उसको और कुछ प्रॉब्लम था, फेल हो गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, अकेला अकेला रहना पसंद करता था, और अकेला रह रहे के और बाकी लोगों का देख के उसको उल्टियाँ चालू की, मतलब हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम था। जब अलग अलग बात किया, इकट्ठा सबसे बात किया, लोगों को बहुत ही रिलैक्स लगा, दवाई और साइकोथेरेपी और सम्मोहन उपचार पद्धति से सबको आराम हो गया और सब लोग अच्छे होकर निकल गए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग पेट के तकलीफ के दर से बहुत पीड़ित है, उनको ये यदि इस तरह की दवा मिल जाती है, इस तरह की साइकोथेरेपी होती है, उनको ये पता चल जाता है कि पेट विकार का मानसिक कनेक्शन कैसा है, और तान तनाव कम करने से यहाँ का तनाव कम हो जाता है, यदि पता चला तो काफ़ी सारे लोग आपका अपना जो जीवन है वो अच्छा जी सकेंगे, खुशहाल जीवन जी सकेंगे। तो ये वीडियो अपने सभी ग्रुप में शेयर करो ताकि सबको इसके बारे में जानकारी होगी और लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।